तो फाइनली माँ किट्टू अंकिता आ चुके हैं। बोल दिए हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं मंजू यार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। और अभी मैं जा रहा हूँ घर और आज मम्मी और अंकिता दोनों आ गए होंगे और साथ ही साथ में किट्टू भी आ गया होगा। तो चलो चलते हैं घर। इस साइड जा रखी है लाइट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अमन भाई साहब तो दो दिनों से गए हैं, पता नहीं कहाँ थे। तो घर पे भी मैं पहुंच चुका हूँ और अंकिता और माँ और आएंगे लगभग 10-11 बजे। तो अंकिता और भी पहुंचने वाले होंगे तो हम जा रहे हैं अभी वीरभद्र रेलवे स्टेशन। ट्रेन पहले तो 2 घंटे लेट थी, लेकिन उसके बाद गाजियाबाद के बाद तो भाई साहब लोको पायलट ने ऐसे दौड़ाई ना कि हरिद्वार पे 20 मिनट पहले पहुँचा दी थी उसने। पहुँच गए हम वीरभद्र रेलवे स्टेशन। रेलवे पटरी हम क्रॉस करते हुए, तो ये है वीरभद्र रेलवे स्टेशन। रात को जैसी ट्रेन इधर से निकलेगी ना तो B3 देखना, B3। हम फस। अरे लोको पायलट ब्रेक मार ले। तो फाइनली माँ किट्टू अंकिता आ चुके हैं। तो कंधा सफर ठीक रहा, ठीक रहा। देखो किट्टू तो दौड़ते दौड़ते जा रहा है। किट्टू अपने सिंहासन में बैठे हैं यहाँ पे मामा के साथ। किट्टू मामा। अरे यार कहाँ आ गया यार डिस्टर्ब करने। ये किट्टू तो पूरा चेंज हो गया। किट्टू की बालों की हेयर स्टाइल भी चेंज हो गई। नमस्ते किट्टू। जय कर दे। नमस्ते। उधर देखी उधर। और जब हम पिछली बार ग्वालियर गए थे ना तो उस टाइम किट्टू चलना सीख ही रहा था। अब देखो फाँ बन गया। या दौड़ के दिखाओ कहाँ भाग रहा होगा। कहाँ भाग रहा है किट्टू? कहाँ भाग रहा है? गुड मॉर्निंग टिकलू। तो चलो मैं तो नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं बाद में और बाद में ब्लॉग बनाते हैं। चल फेंक दे। ये और यहाँ पे किट्टू खेल रहा है बॉल। अभी उसके लिए मैंने ये बॉल निकाली और जैसी निकाली वैसी बॉल लेके भाग गया। जाओ फेंको उधर फेंको। जाओ लेके आओ बॉल लेके आओ। अब ऐसे पांव से मारो, पैर से मारो। बहुत बढ़िया। फिर से मारो पैर से। किट्टू की ऐसी मस्ती तो चलती रहेगी पूरे दिन भर, दिखाते रहेंगे आपको किट्टू की मस्ती। ये देखो अभी किट्टू किचन में घुस गया। बाय कर दे, टैप कर दे। तो दोस्तों चलिए अब ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मैं भी आ चुका हूँ ऑफिस से। और किट्टू क्या किया आज? हाँ किट्टू क्या किया? जुकाम लग गया, ठंड लगी तब हुआ जुकाम। तो अभी किट्टू गाय को बुला रहा है, वहाँ पे गाय है ना। आजा। क्यों रो रहा है किट्टू? तो चलो किट्टू को थोड़ा बहुत घुमा देता हूँ इधर ही। किट्टू क्यों रो रहा था? किट्टू को घूमी नहीं ले जा रहे थे इसलिए रो रहा था। और यहाँ पे इनका मस्त क्रिकेट चल रहा है। इधर करो। ओ भाई साहब चलो नानी को बोलो पीटी करो बोलना। पीटी बोल में नन पीटी को होता है।
योगा बिट्टू योगा योगा करा डिप्स योगा करा दो नानी को मैंने पीटी बोला उसने पीटी कर दी और दोस्तों अगर आपको किट्टू की जो हरकतें हैं वो पसंद आ रही है तो इसके लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और इनके उल्टे काम किट्टू को यहाँ पीछे बैठा रहा जाए ग्वालियर गर्म च ज्यादा की या एक गर्म च गर्म वाल ज्यादा तो दोस्तों मिली है हमारी नई मेट से सैलरी कट जाएगी ढंग से बोलना और ये बढ़िया ये लोग बढ़िया नहीं डराना जिन बहुत अत्याचार करना अभी पहले दिन में आया तो मैं छोड़ी चल रहा पापा आज मैं तो दमकाना छिन भाई दगड़े पुट का सवाल छ दगड़े और तब क्या करना किट्टू 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 तेरी मम्मी क्या बोल रही है ये छोटू जो इरादा ये भाई कान पूर्ण होता है काम ना जरा ओवर टाइम कर दो थोड़ा किट्टू आजा तू भी कर तो किट्टू तब ना बड़े होके वीडियो देखेगा ना तब बोलेगा कि मेरी मम्मी ने कितने संघर्ष झेला इतने संघर्ष झेल इतने संघर्ष झेलने के बाद मुझे पढ़ाया लिखाया किट्टू इधर आओ किट्टू एक अजगर इन्हें पुड़ियो और एक इन्हें पुड़ी देखो एक इन्हें बनी घिरली और एक घिरल घिरल छो तू छे गिरेल ये अब खे अब खाने के आल तो ये नहीं तो पुरो ये सिंधु यदि गिरेल ये गिरेल या ची ये गिरेल आज ना कौन तो तू छे ऐसा कौन तो कैमरा पुरो यार तो चलिए जी दोस्तों मैं ब्लॉग को इतना ही रखता हूँ और आपको बैकग्राउंड में पंखे की आवाज़ आ रही होगी तो अब गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हमने पंखे भी अब चालू कर दिए हैं और इस ब्लॉग को मैं इतना ही रख रहा हूँ।